नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम इंडियन इकोनॉमी के डे 5 के ऊपर पहुंच चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो सीरीज है इसका काफी फायदा हो रहा होगा, उन लोगों को स्पेशली जो इस साल पेपर दे रहे हैं, और उन लोगों को भी जिन्होंने नेक्स्ट ईयर, तो यार नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, कि किस तरह से हम मेंस को अप्रोच करते हैं। एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो सिर्फ प्रीलिम्स को टारगेट करते हैं, और जब मेंस आता है तो उसको मेंस को सीरियसली करने वाले हार्डली 150 या 200 के आसपास लोग होते हैं, और वही लोग जो है वो मेंस क्वालिफाई करते हैं और बाद में इंटरव्यू क्लियर करके सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य इस पर्टिकुलर सीरीज को लॉन्च करने का ये भी था कि हम एक्सपोज कर सके एटलीस्ट मेंस को जितनी हमारी पोटेंशियल है, जितनी हमारी काबिलियत है उसके अनुसार, और आप लोगों को पता लगे कि मेंस को किस तरह से अप्रोच करना है। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं, अगर हम तभी से ही मेंस को टारगेट करना शुरू करते हैं, तो आपकी जो प्रोसेस है, आपकी जो जर्नी है प्रिपरेशन की, वो बहुत ईजी रहती है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है, आपको एंड टू एंड क्लियर क्रिस्टल दिखता है कि आपको क्लियर दिखता है कि कैसे मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, मेंस की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, और उसके बाद इंटरव्यू का भी हम सेशन लेके आएंगे जैसे ही आपका मेंस का एग्जाम जो है वो खत्म होगा। तो हमारा मेन उद्देश्य यही था कि तब जब कोई भी स्टूडेंट जो है वो इस प्रिपरेशन को शुरू करे तो वो एंड टू एंड देखे, ना कि सिंपली जो आपके अलाइड सर्विसेज हैं या जो आपका एनटी है या कोई भी सरकारी नौकरी के बारे में देखे। अगर वो एचएएस के बारे में सीरियसली प्रिपेयर करना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को सीरियसली ज्वाइन करना चाहता है ग्रुप ए की, तो उसको जो है वो एंड टू एंड सोचना पड़ेगा। उसका फर्स्ट डे से गोल जो है वो इंटरव्यू क्लियर करने का होना चाहिए, ना कि उसका गोल पहले प्री क्लियर करे, फिर मेंस क्लियर करे, फिर इंटरव्यू क्लियर करे। क्योंकि उसमें क्लियर तो काफी लोग कर लेते हैं, लेकिन इस प्रोसेस का जो लेंथ है वो बहुत एक्सटेंड हो जाता है। काफी लोग 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल जो है वो प्रिपरेशन के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करते हैं कि पहले वो प्री का प्रिपरेशन किया, देन मेंस का किया, देन इंटरव्यू का किया। प्रिपरेशन आपकी एंड टू एंड होती है, क्योंकि जो भी आप लोग रीड करते हो, जो भी आप स्टडी करते हो, वो एंड टू एंड प्रिपरेशन के लिए ही है। कभी ऐसा नहीं होगा जो आपने प्री में पढ़ा वो मेंस में नहीं आएगा, आएगी वही चीज, बस थोड़ा सा उसका कंटेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो हमारा मेन इस पर्टिकुलर सीरीज को लॉन्च करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था, ताकि हम एंड टू एंड जो है वो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे सके। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्किल इंडिया इनिशिएटिव। तो देखिए स्किल इंडिया इनिशिएटिव, इसमें दो तीन चीजें आप लोगों ने देखनी थी। जब हम 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को शुरू शुरू कर सकते हो, ज्यादा यहाँ वहां की चीजें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा टाइम होगा नहीं और ना इतना स्पेस होगा उस पर्टिकुलर सीट के अंदर। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि स्किल इंडिया इनिशिएटिव जो था, इट वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन 2015 टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपल्स। स्किल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर सरकार ने अलग अलग आपकी स्कीम्स जो है वो लॉन्च की है, जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, स्किल लोन स्कीम्स है, रूरल इंडिया स्किल्स है। तो देखिए नॉर्मल लोग क्या करेंगे, सिंपल यहां तक लिख लेंगे मैं, और ये भी कोई गलत अप्रोच नहीं है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा और डीप अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है आप लोगों से। तो जब शॉर्ट नोट होता है तो क्वेश्चन आपका ओपन हो जाता है, आप क्वेश्चन में कुछ भी लिख सकते हो। फीचर्स के साथ साथ आप थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे मैंने एंड में लिखा हुआ है कि स्किल इंडिया इनिशिएटिव का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा, लोगों को स्किल्ड करना, जो डिमांड सप्लाई के बीच में गैप है, जो इनोवेशन की कमी है, जो लैक ऑफ वोकेशनल लर्निंग इकोसिस्टम है, उसको किस तरह से क्रिएट किया जाए, मैक्सिमम जो आपका यूथ है उसको स्किल्ड किया जाए। क्योंकि आप सब लोगों को पता है हमारा जो एवरेज एज है 2020 तक आते आते वो 29 इयर्स के आसपास हो जाएगी। मैक्सिमम पॉपुलेशन यूथ है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और जिस तरह का फ्यूचर है ऑटोमेशन के कारण, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसका नेचर स्किल्ड हो जाएगा। अनस्किल्ड लोगों के लिए धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है वो कम हो जाएंगी, जैसा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग देख रहे हैं। तो यही कारण है कि सरकार ने पहले ही आपका मिशन जो है वो लॉन्च किया है, ताकि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड आपका क्रिएट हुआ है उसको प्रॉपरली जो है वो केटर किया जाए, नहीं तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। उसी कंटेक्स्ट में स्किल इंडिया इनिशिएटिव जो है वो सरकार के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली कमेंट ऑन द ऑब्जेक्टिव डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सांसद ग्राम आदर्श योजना। देखिए यहाँ पे आपका डायरेक्टिव है, दैट इज क्रिटिकली कमेंट। तो देखिए जब भी क्रिटिकली कमेंट, क्रिटिकली एग्जामिन वर्ड आ जाएगा, कमेंट का मतलब होता है नॉर्मल, जब कमेंट आएगा तो हम जो स्टेटमेंट दी होगी उसको उसके कंटेक्स्ट में, मतलब जो स्टेटमेंट है उसको हम लोगों ने ओपन करना है, जो लिखा है उसके बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है, या उसके बारे में अपनी टिप्पणी देनी है कि ये चीज जो है वो सही है, या उल्टी भी दे सकते हैं, ये चीज है गलत है। लेकिन जब क्रिटिकली कमेंट आ गया तो आपको दोनों एस्पेक्ट शो करने पड़ेंगे, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी शो करना पड़ेगा और नेगेटिव एस्पेक्ट भी शो करना पड़ेगा। वैसे जो क्वेश्चन की डायरेक्ट डिमांड है उसमें अलग अलग ऑब्जेक्टिव डिजाइन इंप्लीमेंटेशन लिखने का लॉजिक नहीं है, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको बता सकूं कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। जो नेक्स्ट वाला पेज आएगा वहां पे बेसिकली मैंने क्रिटिकली कमेंट किया है इसको, जिसमें मैंने इसका अच्छा भी बताया कि इसका फायदा क्या हो रहा है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, और उसका नुकसान भी बताया। देखिए अगर मैं सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करूं, तो ये स्कीम जो थी वो 2014 में सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था टू डेवलप फिजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एट दी विलेज लेवल, क्लियर, ताकि गाँव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लोकल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन, उनको किस तरह से बेटर किया जाए।
हर एक जो आपका एमपी था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू अडॉप्ट एटलीस्ट थ्री विलेजेस या टू अडॉप्ट थ्री विलेजेस टिल 2019 2019 तक आते थे, तीन गांव अडॉप्ट करना था और उनको डेवलप करना था। पहले इनिशियली उनको एक एक गांव डेवलप करना था। तो अब क्या हो गया, 2019 खत्म हो चुका है या मार्च 2019 आपका जा चुका है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे इस पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं कि क्या ये स्कीम सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है, या इस स्कीम के फायदे क्या है। तो इस सवाल में यही पूछा गया है, फायदा भी बताना है और नुकसान भी बताना है, या मतलब इसके इंप्लीमेंटेशन के पॉजिटिव भी है, अगर हो सकता है 100% सारे के सारे गाँव जो इन्होंने अडॉप्ट किए थे वो बन गए तो इसका मतलब कि नेगेटिव इसमें कुछ है ही नहीं। क्लियर? फिर आप ये बता सकते हो कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए थे इंप्लीमेंट करते हुए, लेकिन आप वो चैलेंजेस पूरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट जैसे मैं स्लाइड के ऊपर जाऊंगा वहां से आपको चीज आइडिया लगेगा। तो देखिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो ऑब्जेक्टिव मैंने अभी डिस्कस कर लिया कि फिजिकल और इंस्टीट्यूशनल, मतलब आपका रोड बनाना है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी 100% लेके आने की कोशिश करनी है, स्कूल्स को डेवलप करना है, लोकल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है। उसके साथ इंप्लीमेंटेशन के बारे में मैंने बता दिया कि किस तरह से जो आपके एमपीज होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गाँव को अडॉप्ट करना। गाँव जो है वो आपकी प्लेन एरियाज में 3,000 से लेकर 5,000 के बीच में पॉपुलेशन होगी और 1,000 से लेकर 3,000 के बीच में आपकी जो है वो हिली एरियाज में होगी। क्लियर? अब देखिए जो लोकसभा का एमपी होगा, जो एमपी ऑफ लोकसभा होगा उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक गांव चूज करना पड़ेगा। जो राज्यसभा का होगा वो अपनी जिस स्टेट से वो नॉमिनेट होगा आया होगा वहां पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट जो है उसका रूरल एरिया से जो वो किसी को भी चूज कर सकता है। अगर कोई नॉमिनेटेड एमपी है जैसे आपका सचिन तेंदुलकर था, तो पूरे इंडिया में किसी भी रूरल एरिया किसी भी डिस्ट्रिक्ट में से जो है रूरल डिस्ट्रिक्ट में से जो वो किसी भी गाँव को इस स्कीम के अंतर्गत जो थे वो चूज कर सकते थे। क्लियर? अब देखो ये तो इसके फीचर्स थे, इम्प्लीमेंटेशन थी, ऑब्जेक्टिव्स थे। अब देखिए यहां पे इसका कमेंट किया गया है, जैसे पहले मैंने अब देखो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कैसे जो आपकी चिकली है नवेसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, या किस तरह से जो है वो आपकी पीमी लंका है जिसका नाम पेदमेनी वानी लंका है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है वो आपकी 100%, देखिए यहाँ पे जो है वो आपकी ग्रीन डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं, 100% सोलर पावर्ड एनर्जी जो है यहाँ पे प्रोड्यूस की गई है। क्लियर? तो कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जैसे आप जो महात्मा अपने नरेंद्र मोदी की जो विलेज है उसका नाम लिख सकते हो, सचिन तेंदुलकर की विलेज का नाम लिख सकते हो, तो आंध्र प्रदेश में, तो उन्होंने जो है वो काफी डेवलपमेंट किया वहां पे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इसका जो पॉजिटिव है वो क्या है, कि किस तरह से आप लोगों ने जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के थ्रू, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू, कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग के थ्रू जो है वो इस पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर विलेजेस को जो वो गांव इन गांव को जो डेवलप किया, तो इसका मतलब कि इसके इंप्लीमेंटेशन में सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है, इसका पॉजिटिव भी जो हमने पहले वाले पैराग्राफ में लिख लिया। लेकिन दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी रिसेंट डाटा है कि सिर्फ 51% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट जो है उनको कंप्लीट किया गया है। इनमें से वर्स्ट परफॉर्मिंग जो आपके स्टेट्स हैं वो बिहार, राजस्थान और उड़ीसा है। क्लियर है? बिहार जिसने कि 54 मेंबर पार्लियामेंट में भेजे, उन लोगों ने सिर्फ 86 जो टोटल विलेजेस हैं उनको अडॉप्ट किया। लॉजिकली इनको 3 गुना, ठीक है, मतलब 162 के आसपास जो टोटल विलेजेस अडॉप्ट करनी चाहिए थी लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं किया है। इस स्कीम के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कंटिन्यूअसली जो है वो अपनी स्कीम को मॉनिटर कर सके। नॉर्मली जिन जगहों के ऊपर जिन विलेजेस को डेवलप किया भी गया है वो मैक्सिमम वहां पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। तो एक तो एमपी वाला एंगल आ गया, दूसरा जो आ जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाला आ गया, क्योंकि यहाँ पे हर एक विलेज की जो नीड होती है, डिमांड होती है, जियोग्राफिकल लोकेशन होती है, उसकी डिफरेंट नीड होती है, डिफरेंट चीज को रिक्वायर होती है। हो सकता है वहां पे सैनिटेशन की कमी हो सकता है, वहां पे एजुकेशन की कमी हो सकता है, वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो चेंज डिफरेंट तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट हो सकता है, वहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही रिक्वायरमेंट हो, बाकी सारे के सारे चीजें डेवलप हो। तो जब विलेज टू विलेज पॉलिसी चेंज होती है तो वहां का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक होना चाहिए, लेकिन हमारे देश की जो ब्यूरोक्रेसी है वो काफी रिजिड है, तो जिसके कारण भी आप लोगों के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको इस तरह की स्कीम को इंप्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और तीसरी बात यह भी है कि जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अदर एक्टिविटीज में इस तरह ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो लोग जो है इतनी बाहरी एक्टिविटीज में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो लोग जो है वो इन क्षेत्रों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, और उनको दिल्ली में भी बैठना पड़ता है जब पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे अलग बात है कि वो ज्यादा दिन तक नहीं बैठते, लेकिन ये सारे के सारे फैक्टर जो है वो हम उस कंटेक्स्ट में लिख सकते हैं। तो ये था आपका क्रिटिकली कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर स्कीम, जिसमें हमने दोनों एस्पेक्ट्स जो डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली एनालाइज हाउ डज द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सीक टू अनलीज वुमेन्स एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटीज। तो देखिए सो इसको आप कैसे भी शुरुआत कर सकते हो, आप मेक इन इंडिया के कंसेप्ट से कर सकते हो कि कैसे आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका शेयर काफी कम है, 15% के आसपास है, कल भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा शेयर उतना बढ़े जितना कि आपका नॉर्मल डेवलपिंग कंट्रीज का अप्रॉक्सिमेटली 25% के आसपास। यही कारण था कि हमने मेक इन इंडिया जो है उसको लॉन्च किया है। तो सरकार मेक इन इंडिया के थ्रू जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाह रही है, फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाह रही है, साथ में जो आपका इस टाइम पे इकोसिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग का उसको कंप्लीटली चेंज करना चाह रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वुमेन के ऊपर भी इसका फायदा भी होगा, लेकिन इस टाइम पे आपका इसकी इंप्लीमेंटेशन में कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस भी हम लोग जो है वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों एस्पेक्ट आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो डायरेक्टिव है वो क्या है, क्रिटिकली एनालाइज। तो क्रिटिकली एनालाइज का मतलब है कि आपको कारण बताते हुए एनालाइज करते करते आपको दोनों एक फेयर व्यू देना है, एक साइड भी लेनी है और दूसरी साइड भी लेनी है। जैसे कि अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो आपकी जो मेक इन इंडिया में जो दो इंपॉर्टेंट हाईलाइट इंडस्ट्रीज हैं, दैट इज गारमेंट एंड फूड प्रोसेसिंग, यहाँ पे मैक्सिमम वुमेन लेबर जो इन्वॉल्व है। और अगर मैं टोटल
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली जो 10% आपके एंटरप्रेन्योर हैं वो कौन है, वुमेन है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को भी मेक इन इंडिया से किस तरह का कोई हेल्प मिलता है तो उसमें जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। इसके साथ साथ और दो सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं फार्मास्यूटिकल की बात करूँ, हेल्थ केयर की बात करूँ, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी कुछ वुमेन है, जैसे जैसे स्वाति पिरामिल आ गई, आपकी किरण मजूमदार शॉ आ गई, तो इनका नाम यहाँ पे डाल सकते हो कि किस तरह से इन लोगों ने जो है वो ऑलरेडी इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री, हेल्थ या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस तरह से ज्यादा काम किया है। और अगर ज्यादा से ज्यादा वुमेन जो है वो इनसे इंस्पायर हो सकती है, एंटरप्रेन्योरल कैपेबिलिटी में आ सकती हैं, अगर वो वुमेन स्किल्ड होंगी तभी वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर बन पाएगी। बिना स्किल के किसी भी तरह का फाउंडेशन करना, किसी भी कंपनीज को खोलना एक तरह से मुश्किल होता है। क्लियर? या तो आपको कैपिटल चाहिए होगा या तो आपको स्किल चाहिए होगा। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि अगर आपको स्किल चाहिए तो इस टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो वुमेन है वो मेन से थोड़ी कम स्किल्ड है। तो इसी कारण सरकार ने जो है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए जाके हर एक का जो स्किल है उसको एक तरह से प्रमोट किया जाए। 40 करोड़ लोगों को जो है वो 2022 तक सरकार ने स्किल डेवलपमेंट करने के लिए स्कीम्स लॉन्च की है, इसको थोड़ी देर पहले हमने लॉन्च किया है। तो अगर वुमेन स्किल्ड होगी तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो आपकी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज में आ पाएगी। देखिए स्किल से या मेरा स्किल बिल्ड होगा, एंटरप्रेन्योरल या मेक इन इंडिया से जो है वो मैं ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक तरह से पार्टिसिपेट करूंगा इंडस्ट्री में, और जितनी वुमेन इंडस्ट्री के अंदर आएंगी उतने ही वुमेन के एंटरप्रेन्योर बनने के जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड पर देखूँ जो कि रियलिटी है कि अभी सिर्फ आपके जो लेटेस्ट जितने स्टार्टअप्स जो है वो अभी 1-2 साल में रजिस्टर्ड हुए हैं 4500 के आसपास, इनमें से सिर्फ 10 जो हैं दे स्टार्टअप्स आर फाउंडेड बाय वुमेन। तो इसका मतलब कि बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं है इस पर्टिकुलर टाइम पे। क्लियर? लेकिन सिंपल सी बात है, इसके काफी और भी प्रॉब्लम है। जैसे जब तक लेबर रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, पॉलिसी रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, तब तक हम मेक इन इंडिया को जो वो सक्सेसफुल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नोकिया जो है वो नई लोगों को स्किल देना तो डिफरेंट चीज है, नोकिया ने जो वो काफी लोगों को जो है ले ऑफ कर दिया। क्लियर? अब देखिए दूसरी बात ये भी है कि अभी भी काफी हमारी कंपनीज ऐसे हैं, इवन की जो इंडियन कंपनी जो अपने मैन्युफैक्चरिंग अभी कर रही है, कहां के पे कर रही है, बाहर कर रही है। तो जब तक सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग बाहर पे होगी, यहां पे स्किल्ड जो लेबर है उसको भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, तो एंटरप्रेन्योर बनने की जो संभावना पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा भी सरकार ने और ज्यादा भी काफी स्कीम्स लॉन्च की हैं जिसमें वुमेन को जो स्पेशल इंसेंटिव दिए जाते हैं अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। क्लियर? तो हम इसको दोनों एंगल ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर टाइम पे जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका, ये जो डाटा है इसके अकॉर्डिंगली ज्यादा है। लेकिन अगेन हमेशा आप लोगों ने कंक्लूजन पॉजिटिव करना है कि वुमेन जो है वो इनको और ज्यादा सरकार अगर सपोर्ट करेगी और ज्यादा स्किल डेवलपमेंट में ये एक तरह से जॉब्स के अंदर उनको और ज्यादा रिजर्वेशन जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी, तो शायद उससे जो है स्पेशली प्राइवेट में रिजर्वेशन तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन रिप्रेजेंटेशन मिलनी शुरू शुरू हो जाएगी। शायद आपको पता ही होगा कि काफी ऐसी कंपनीज है जहां पे जितनी अगर वुमेन एम्प्लाइज कुछ परसेंट से ज्यादा रखना उनके लिए मैंडेटरी होता है, और अगर वो उतने से ज्यादा वुमेन एम्प्लाइज रखते हैं तो उनको स्पेशल इंसेंटिव जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरह की जो पॉलिसीज है वो सरकार आपकी फ्रेम कर सकती है। क्लियर? तो ये थे आपके दो एंगल कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो कैपेबिलिटीज उनको किस तरह से मेक इन इंडिया। अब देखिए यार ये क्वेश्चन ऐसा था, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्टेंट नहीं था, तो इस क्वेश्चन को जो है वो आपको थोड़ा स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा, जिसमें इंट्रोडक्शन थोड़ा ओपन कर सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा चीजों को लिंक कर सकते हो, जैसे मैंने स्किल डेवलपमेंट को इसके साथ लिंक किया। काफी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, कम से कम 3-4 क्वेश्चन एक पेपर के अंदर ऐसे होंगे जहां पे आपको पता होगा लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो उनको थोड़ा क्लेवरली हैंडल करना होता है। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच लेड टू वीकनिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया। तो इजी क्वेश्चन है, अगर देखिए सिंपल कंसेप्ट लिख लो कि डब्ल्यूटीओ का कंसेप्ट क्या है, उसको फॉर्म किया गया है, कब इसकी फॉर्मेशन हुई थी, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके बाद देख लीजिए कि क्या क्या फैक्टर हैं। जैसे रूल्स अंडरमाइंड, जो जैसे यूएस है, चाइना है, वो काफी रूल्स इनके बांधते नहीं है, ठीक है। जैसे अभी इवन की जो आपके दोहा रिकमेंडेशन है वो अभी तक जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हुई है, जिसके कारण जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज है उनका विश्वास डब्ल्यूटीओ के ऊपर से उठता जा रहा है। उसके बाद आपका आ गया फॉल्टी रूल्स। अब देखिए फॉल्टी रूल्स का क्या है कि अब डब्ल्यूटीओ के अंदर एक चीज है कि अगर आप मान लो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, कहीं नेशनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने के लिए किसी पर्टिकुलर आइटम के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, टैक्स लगा रहे हो, तो वो जस्टिफाइड होगी। तो उसमें सब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, कंट्रीज ने क्या करना शुरू कर दिया कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हर चीज के ऊपर टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। तीसरा आ गया आपका मार्केट इकोनॉमी डिस्प्यूट्स। अब देखिए इस पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो हर एक दूसरे को अक्यूज कर रहा है, डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को अक्यूज कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज को जो है वो अक्यूज कर रही है, और दोनों के दोनों जो है वो डब्ल्यूटीओ के रूल्स को वायलेट करती जा रही है। और क्योंकि इस टाइम पे बहुत बड़ा इकोनॉमिक चल रहा है आपका यूएस के बीच में और चाइना के बीच में, उसके साथ आपका फील्ड नेगोशिएशंस आ गया। अब देखिए अभी तक जो डब्ल्यूटीओ है उसके जो ट्रेड अकॉर्ड्स हैं, नो डाउट काफी कंट्रीज उनको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो भी फुली जो है वो इंप्लीमेंटेड नहीं हुए हैं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो प्रॉपर कंसेंसस के थ्रू लिया जाता है, और अभी तक काफी मैटर्स ऐसे जिनके ऊपर प्रॉपर कंसेंसस नहीं बनी है। अब देखिए अगर मैं इंडिया के ऊपर इंपैक्ट की बात करूं, इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्रीज है, अगर मान लो जैसे अभी इस टाइम पे आप लोगों ने देखा है कि फूड हम सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी तक इंडिया जो फूड सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है और प्रोटेक्टेड है, बाहर वाली कंट्रीज जो आपके ऊपर ज्यादा टैरिफ और टैक्स नहीं लगा पा रही क्योंकि डब्ल्यूटीओ ने आपको एक तरह से अलाउ किया हुआ है, नो डाउट आपको रिस्ट्रिक्शन जो है वो धीरे धीरे लगनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी आपके लिए जो है वो अलाउड है कि आप फूड प्रोक्योर कर सकते हो, फूड सब्सिडी जो लोगों को दे सकते हो, क्योंकि आपकी जो लोग हैं वो काफी पॉवर्टी लाइन से नीचे, तो आप लोगों को फूड सब्सिडी उन लोगों को देनी ही पड़ेगी।
लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर धीरे धीरे अगर आपका डब्ल्यूटीओ जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर वीक होता जाएगा, डब्ल्यूटीओ जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो अगर वीक होता जाएगा तो होगा क्या कि आपकी जो बार्गेनिंग पावर है वो वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी बार्गेनिंग पावर कमजोर होगी तो जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज है वो आपके ऊपर किसी भी तरह के टैरिफ लगा सकते हैं, किसी भी तरह का आपका जो ट्रेड है उसको रोक सकते हैं। क्लियर? तो ये इंडिया के लिए जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक तरह से नहीं स्टेप होगा अगर किसी भी तरह से ये जो है वो आपका वीक होता है। और एक और फैक्टर ये भी है कि अभी धीरे धीरे जो है वो आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन काफी बननी शुरू हो गई है, तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनने के कारण भी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंपैक्ट कम होना शुरू हो गया। अब सारे जैसे हम इंडिया में भी देख लो, जैसे इस टाइम पे जो है वो आपका जैसे बिमस्टेक वगैरह है, ठीक है, सारी की सारी ट्रेड है, सार के, चलो सार कितना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, उसी तरह से जो है वो आपकी यूरोपियन यूनियन बनी हुई है, या यूरोपिया यूरोप के अंदर जो है वो इनकी आपस में ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो आजकल रीजनल ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर रीजनल ट्रेड नहीं है, सबको जो है वो कलेक्टिवली ट्रेड करना पड़ेगा, यही आप लोगों ने यहाँ पे कंक्लूजन में लिखना है, ठीक है। एक वे फॉरवर्ड देना है, सोल्यूशन देना है कि किस तरह से अगर सारे के सारे जो है वो पैरेलल चलेंगे, बैलेंस चलेंगे, ये सारे के सारे कंट्रीज जो है वो एक इक्वल पेजेस के ऊपर रहेंगी, तभी जाके जो है वो आप इस तरह के जो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगी जहां पे कोई भी कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री के जो इंटरेस्ट है उनको वायलेट ना करे, नहीं तो बड़ी कंट्रीज बड़े देश जो है वो छोटे देशों को किसी भी तरह से पॉलिसी के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, नेगेटिव उनको काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये एटलीस्ट डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज है वो उसको ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यही कारण है कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम लोगों के लिए रेलिवेंट है, और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा चाहिए होंगे। क्लियर? तो ये था आपका इकोनॉमी का 5 दिन का सेशन, नेक्स्ट डे से आपका सोसाइटी और इंटरनेशनल रिलेशन शुरू हो रहा है, तो आप लोगों को पता ही है कि क्या क्या चीजें हैं आप लोगों ने कोशिश करनी है, एक प्लेन जो आपकी लाइन वाली शीट्स उनके ऊपर लिखने की, जो नंबर ऑफ वर्ड्स है उस रिस्ट्रिक्शन को आप लोगों ने वायलेट नहीं करना है, अगर 120 नंबर ऑफ वर्ड्स है तो आपको आपने 120 में करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप tufanipahadi19@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।